तो आज हम आपके लिए चपली कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। सबसे पहले आप एक बड़ा प्याज आधा अच्छी तरह पीस लीजिए प्याज को। प्याज को निचोड़ कर पानी निकालिए। प्याज से सारा पानी निकल चुका है, इसको साइड पे रखिए और तकरीबन 500 ग्राम कीमा इस प्याज में अच्छी तरह मिक्स करें। इसको 10 मिनट तक मिक्स करते रहे ताकि प्याज कीमे के साथ अच्छी तरह लग जाए। फिर बारीक कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक 1 चम्मच शामिल करके इसको कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। फिर 1.5 चम्मच जीरा, काली मिर्च 1 चम्मच फ्राई कर ले। फिर फ्राई करने पर इसको ठंडा करें और फिर इसको अच्छी तरह पीस दें। फिर धनिया 2 चम्मच इसमें मिलाकर अच्छी तरह पीसिए। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको कीमे के ऊपर डाल लीजिए। अजवाइन 1/2 कप, लाल मिर्च 1 चम्मच, अनारदाना 1 चम्मच शामिल करके इसको कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सारा मसाला कीमे में जायका छोड़ दें। फिर प्राय 1 अंडा डाल दीजिए। फिर इस फ्राई किए हुए अंडे को अच्छी तरह मिक्स कीजिए। फिर आटा 1.5 चम्मच डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। टमाटर 1 अदद बारीक कटे हुए, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम बारी बारी सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे कीमे के साथ। फिर हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा कर कीमे के गोल टिकिया बनाएं और फिर इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह साइज दीजिए। Hey there. Subscribe to my channel. तेल गरम करके and also press this bell icon. 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें और फिर दूसरी तरफ पे पलटा दें। हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।